हेलो, मैंने आपको एक इंजेक्शन का नाम भेजा है, क्या आप इसे मथुरा रूरल हॉस्पिटल में भिजवा सकते हैं? जी भिजवा सकते हैं, और इंजेक्शन का बिल होगा 7,500। 7,500? इतना महंगा? ये इंजेक्शन इमरजेंसी के लगता है, इसलिए महंगा है। हमें भी दिल्ली से मंगाना पड़ता है, तो भेजू या रही? हाँ, आप भिजवा दीजिए, मैं आपको डिलीवरी के टाइम पे पैसे दे दूंगा। ओके, थैंक यू, जल्दी भिजवा दीजिए प्लीज। मिश्री, ये इंजेक्शन मिल गया, डॉक्टर का? नर्स, आप जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला दीजिए, वो दादी को इंजेक्शन लगाना है ना। ओके। डॉक्टर साहब तो कह रहे थे आसानी से नहीं मिलेगा, अच्छा वो मिल गया। जी, ये तो बहुत महंगा है। मिश्री, तुम्हारी दादी की जिंदगी से कीमती नहीं है, तुम कान्हा जी को धन्यवाद कहो कि अच्छा हुआ कि तुम्हें बस के एडवांस पैसे मिल गए और वो मेरे काम आ गए। नहीं, हम कान्हा जी को धन्यवाद तभी कहेंगे जब वो दादी को होश में लाएंगे। डॉक्टर, ये लीजिए प्लीज, आप दोनों बाहर वेट कीजिए। मिश्री, आओ आओ। राघव को इंजेक्शन तो मिल गया, पर उससे मिश्री की दादी कोमा से बाहर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें होश आया तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। क्या कहा डॉक्टर ने? अभी इंजेक्शन लगा रहे, उसके बाद ही वो कुछ बता पाएंगे। राघव, तुम मिश्री की दादी के लिए इंजेक्शन लेकर आए, बहुत अच्छा किया। पर अगर मिश्री की दादी कोमा से बाहर आ गई तो तुमने मिश्री से जो सच छुपाया है वो बाहर आ जाएगा। मतलब अगर मिश्री की दादी ने मिश्री को सच बता दिया तो तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। शायद अब राघव को अक्ल आए और वो डॉक्टर को जाकर रोके मिश्री की दादी को इंजेक्शन लगाने से। मुझे अपनी चिंता नहीं, मिश्री की दादी को होश आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद जो होगा मुझे मंजूर है। राघव, तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मुसीबत मेरे ऊपर आएगी, ना कि तुम्हारे ऊपर। माने तो फोन ही नहीं उठा रही, बस वो ठीक हो, सही सलामत हो। गुड़िया, देख, बानी को समझा दे, जे मिश्री और बाकी दादी के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। और राघव के लिए खाना लेकर गई थी और अब तक ना आई, करवा चौथ का व्रत खोलने को समय आ गया है। मां, मैं जानती हूँ, हो सकता है कि वो राघव की वजह से ही हॉस्पिटल में रुक गई हो, या फिर उसने यही सोचा हो कि राघव के हाथ से ही अपना व्रत तोड़े। मेरे वाणी का पहला व्रत है, उसके भी अपने अरमान होंगे, उसके भी अपने सपने होंगे, वो भी तो पूरे होने चाहिए ना। सही बात है, बाकी सपने तो पूरे होने ही चाहिए, और सपने पूरे होंगे। बस मेरा राघव एक बार जो नौकरानी मिश्री के चक्कर से बाहर निकल जाए, बस। मिश्री, क्या सोच रही हो? हम उस इंसान को ढूंढना चाहते राघव जी, जिससे हमारी दादी को इस हाल में पहुंचाए। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें मिलना चाहिए, तब तक हम चैन से बैठ नहीं पाएंगे।
तो सब दादी अब होश में आ जाएंगी ना। हमने आपकी दादी को इंजेक्शन दे दिया है, पर उसका असर देखने के लिए हमको कम से कम 6 घंटा वेट करना होगा। हाँ, इंजेक्शन जरूर काम करेगा। राघव जी, आप ये दादी के पास रुकेंगे ना? हाँ, पर क्यों? मैं उस जगह जाना चाहता, दादी का एक्सीडेंट हुआ था। मिश्री, पुलिस अपना काम कर रही है, तुम्हें इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो गुनेगार को ढूंढ के निकालेंगे। नहीं, अब हमसे और नहीं रुका जाएगा। हम जल्द से जल्द उस इंसान को ढूंढना चाहते हैं और हम उसे सजा अपने ही हाथों से देंगे। दादी के पास रुकेंगे ना? हम जल्दी लौट आएंगे। मिश्री, दादी जब तक होश में नहीं आ जाती तुम कहीं मत जाओ। तुम्हारा व्रत है करवा चौथ का, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना कुछ पिया है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। और मिश्री, अभी व्रत खोलने का टाइम हो गया, तुम यही रहो, कहीं मत जाओ। राघव जी, आपके होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता। आपके दादी के पास रहिए, हम चांद निकलने से पहले लौट आएंगे। राघव जी, मिश्री को अगर पता चल गया कि उसकी दादी का एक्सीडेंट हमारी बस से हुआ था तो मैं मिश्री को हमेशा के लिए खो दूंगा। मुझे मिश्री पे नजर रखनी पड़ेगी। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि राघव ने उसकी दादी का एक्सीडेंट किया है। राघव, मैं जानती हूँ तुम मिश्री का बहुत ख्याल रखते हो। आज करवा चौथ है इसलिए तुमने उसके लिए व्रत रखा है, और आई नो यू, तुम ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते हो, तुम बीमार पड़ जाओगे। प्लीज कुछ खा लो, अब कब तक मिश्री के इंतजार में तुम भूखे रहोगे, है ना? नहीं बात, खाना तो मैं मिश्री के साथ ही खाऊंगा। हम व्रत साथ में ही खोलेंगे, इंतजार करूंगा मैं उसका। अगर ऐसा है तो तुम्हारा व्रत तो मैं तुड़वा कर रहूंगी राघव, चाहे जो हो जाए। मैं उस वक्त तिलक चौक पर ही थी जब मिश्री की दादी का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने देखा था तुम्हें उन्हें अपने साथ ले जाते हुए। यही वो तिलक चौक है जो वानी जी ने कहा था। दादी के एक्सीडेंट के बारे में या किसी ना किसी का तो पता ही होगा। भैया, इन्हें देखिए ना, कल इनका एक्सीडेंट हुआ था एक पुरानी जीप से। आपने देखा था कि वो जीप कौन चला रहा है या जीप का नंबर क्या है? भैया देखिए ना, ये हमारी दादी के कल इनका एक्सीडेंट हुआ था। आप जानते कि वो कौन सी गाड़ी थी? ऐसा कैसे हो सकता है, घर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। दादी का एक्सीडेंट यहाँ नहीं हुआ है, फिर कहाँ हुआ है? राघव, क्या हुआ, सब ठीक है ना? फानी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस अब थोड़ी देर में मिश्री को पता चल जाएगा कि उसकी दादी का एक्सीडेंट मैंने किया, उसकी दादी की हालत मेरी वजह से, और इतनी बड़ी बात मैंने मिश्री से छुपाई, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, मेरी शक्ल कभी नहीं देखेगी वो। डोंट वरी, मिश्री को कभी सच का पता नहीं चलेगा। अरे, तुम ये बात इतनी विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? मिश्री,
राघव जी, घर आपको दादी कहाँ मिली थी? उनका एक्सीडेंट तो तिलक चौक पे ही हुआ था ना? हेलो राघव जी, कुछ तो बोलिए। मैंने मिश्री को झूठ कहा था, मैंने गलत चौक का नाम बताया था, तुम भी वही बोलना, ओके? अरे क्यों बोला झूठ? मैं उस वक्त परेशान था, टेंशन में था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुमने मिश्री को गलत चौक बताया। पर मुझे मिश्री को सच बताना होगा कि एक्सीडेंट तिलक चौक पर नहीं, मंदिर के सामने हुआ था। नहीं राघव, नहीं राघव, मेरी बात सुनो, तुम्हें सच को छुपाना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पे बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। राघव मेरी बात सुनो, देखो झूठ बोलने से अगर तुम्हारा घर बच रहा है, अगर मिश्री को तुमसे दूर नहीं होना पड़ रहा है, तो झूठ ही सही। इस वक्त इमोशन से नहीं, दिमाग से काम लो। मिश्री के पास इस वक्त तुम्हारे सिवा कोई नहीं उसका ध्यान रखने के लिए। अगर मिश्री की दादी के एक्सीडेंट के जुर्म में तुम्हें जेल जाना पड़ गया, तो मिश्री तो रास्ते पर आ जाएगी, उसे भीख मांगनी पड़ेगी, सोचो। राघव जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो राघव जी, हेलो राघव जी, ने फोन क्यों काट दिया? इतना अच्छा और महान क्यों बनता है? बार बार उसे मिश्री को सच बताने की ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है? हमें अच्छे से याद है कि वाणी जी ने तिलक चौकी कहा था, फिर अगर एक्सीडेंट यहाँ नहीं हुआ तो फिर कहाँ हुआ है? हम दोबारा राघव जी को पूछ लेते, लगता शायद उनसे कोई गलत फहमी हुई हो। का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब हम क्या करें? अब हम कैसे पता लगाएंगे? सुनिए, आप अपनी दादी के एक्सीडेंट के बारे में पूछ रही थी ना लोगों से? मैंने आपको लोगों से सवाल पूछते हुए देखा। हाँ जी, आप जानते हैं उनके एक्सीडेंट के बारे में? हाँ, सुना तो था कि कल एक बूढ़ी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया किसी पुराने जीप से, लेकिन वो यहाँ नहीं, यहाँ से दो चौक दूर हुआ है। हमें तो यही चौक के बारे में बताया गया। देखिए मैडम, हमें जो पता था हमने आपको बता दिया, अब मानना ना मानना आपकी मर्जी है। नहीं, दो चौक दूर ना? हाँ। धन्यवाद। नमस्ते मैडम। मैडम जैसा आपने कहा था, मैंने मिश्री को गलत एड्रेस बता दिया है। मैंने कहा है कि उसकी दादी का एक्सीडेंट यहाँ से दो चौक दूर हुआ है। वेरी गुड, अब वो जहाँ जहाँ जाती है उस पर नजर रखो। जी मैडम। जब तक मैं हूँ तब तक मिश्री तुम लाख कोशिश कर लो, पर तुम्हें ये सच कभी नहीं पता चलेगा कि राघव ने ही तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट किया है। अंकल ने तो कहा था कि दादी का एक्सीडेंट तिलक चौक से दो चौक आगे पे ही हुआ, तो हम यहाँ लोगों से पूछ लेते हैं, शायद उन्हें दादी के एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता। भैया, ये हमारी दादी का कल यहाँ एक्सीडेंट होता, आपको कुछ पता है? भैया ये देखिए ना, ये हमारी दादी है, कल इनका एक्सीडेंट हुआ था यहाँ। नहीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं। से कैसे हो सकता है, किसी को एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि दादी का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था?
दादी अब हम कैसे पता लगाएंगे कि आपका ये हाल किसने किया? पुलिस तो अपना काम कर रही है और हम भी ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। हाँ माँ, आज करवा चौथ का व्रत तोड़ने के लिए हमारे पति ने खास हमारे लिए खाना पकवाया है। इतना हमारा ख्याल रखते हैं ना कि क्या बताए। हैप्पी करवा चौथ मिश्री, तुम्हारे सर की। अच्छा माफ कर दो मिश्री, मेरे पास और पैसे नहीं थे तुम्हारे लिए कुछ और लाने के। मिश्री ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है तो मैंने भी आज उसके लिए व्रत रखा। महलों में रहने वाले राजकुमार हमारे लिए कितनी ठोकरें खा रहे, हमारे लिए व्रत रख रहे, हमारी सगी के लिए वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। राघव जी आप बहुत अच्छे, अब व्रत तोड़ने के लिए हमें भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। पर वो तो अस्पताल में, हम क्या ले उनके लिए? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। फोन क्यों नहीं लग रहा है? हमारा मन अब और भी घबरा रहा है। हमें दादी के एक्सीडेंट के बारे में पता करके अस्पताल के लिए निकल जाना चाहिए। मिश्री, तुझे कुछ पता चला? आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? हम कब से कोशिश कर रहे हैं, फोन बंद हो गया था। ऐसे कैसे फोन बंद हो गया? अरे कोई प्रॉब्लम हो गई होगी इसलिए बंद हो गया था। तुम बताओ कुछ पता चला? कुछ पता चला मिश्री? हाँ राघव जी, हम दादी के एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया।